अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। आज मैं बनाने लगी हूँ लाहौर की मशहूर लड्डू पेठियाँ। तो उसके लिए मुझे जो जो भी करती जाऊँगी आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे हम, खुबानी की चटनी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बर्तन लिया है और ये खुबानियाँ मैंने भिगो कर रखी थी एक कप दो कप पानी में, ठीक है। तो इसको मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर मैं ना आधा कप पानी और डालती हूँ, तो यानी हो गया 2.5 कप। तो फिर हम इसको उबालते हैं और फिर जो जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी जी। इधर से हम बनाएंगे, जो हमने दाल भिगो कर रखी है इसे हम पीसेंगे। ये मैंने ली है 1 कप दाल ली थी, चने की दाल। इसको मैंने को तकरीबन 3 घंटे हो गए भिगो कर रखा हुआ था गर्म पानी में, तो ये इस तरह हो गई है। तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि पहले मैंने बिल्कुल सारा पानी निचोड़ लिया था। अब मुझे लग रहा है कि सही तरह पिस नहीं रही, तो थोड़ा सा एक टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी और डाला है। चलिए ये देखिए मैंने दाल को पीस लिया है। इस तरह दरदरा सा होना चाहिए, बहुत बारीक नहीं हमने पीसनी, बस इस तरह ये ठीक है। तो इसको मैंने भी छलनी में रखा है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निचड़ जाए। तो उसके बाद फिर मैं इसको बनाती हूँ। इससे पहले हम बना लेते हैं अपनी चटनियाँ वगैरह, ठीक है। चलिए अब मैं सबसे पहले ये जो खुबानियाँ हैं इनको मैं पीस लूँगी। बिल्कुल इसका हम बिल्कुल पेस्ट सा बना लेंगे। चलिए अब ये देख रहे हैं किस तरह ये बन गई है बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं पानी थोड़ा सा डालूंगी, 1/2 कप के करीब। अब मैं 2 टेबल स्पून इमली का पल्प इसके अंदर डालूंगी। दो टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चूल्हा मैंने ऑन किया, मैंने कहा इसको मिक्स करती हूँ और फिर अब मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ। थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, 1/2 टीस्पून, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सिरका, अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर बस थोड़ा सा पकाऊंगी 2-3 मिनट, फिर इसको मैं उतार देती हूँ। कल जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी, जो मेरी शकरकंदी मैंने बनाई थी उसके साथ जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी वो भी मैं इसके साथ सर्व करूंगी, और थोड़ी सी मैं अभी ग्रीन चटनी भी बनाती हूँ, ठीक है। ये देखो ये हो गई। इसका चूल्हा मैं थोड़ा सा तेज़ करती हूँ, 2-3 मिनट पकाती हूँ और फिर इसको मैं बंद कर दूँगी। चलिए ये देखें जी, ये इसका पानी निचड़ गया ये। तो चलिए जी ये हम दाल इसके अंदर डालते हैं। चलिए जी ये मैं भी इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ इसके अंदर और फिर इसको दोबारा से मिक्स करूँगी।
चलें जी, बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मसाले डालते हैं। हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, वन टी स्पून नमक, इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारी पेठियाँ हैं उसको हम फ्राई करेंगे। तो पहले इस चम्मच को हमने गीला किया है, इस तरह आपने चम्मच लेना है। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, इस तरह से बड़ी बड़ी सी हमने पेठियाँ बनानी हैं, जैसे बड़े बड़े हम बल्ले से बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से। और ये अब फूलने लग गई हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं ये। इनके मैं साइड चेंज करने लगी हूँ, थोड़े से ब्राउन होंगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की होती है। ये लाहौर में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है, लाहौरी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो लाहौर में ये आप जाएं बाज़ार में तो जगह जगह इनके ठेले लगे होते हैं और ये बहुत ही वहाँ पर मज़े की बन रही होती हैं, बिल्कुल फ्रेश जी। अच्छी से फ्राई हो चुकी हैं हमारी पेठियाँ, तो मैं इनको निकाल रही हूँ। अब इनको निकालने के बाद चटनियाँ वगैरह भी मैंने बना ली हैं और इनको मैं अब सर्व करती हूँ। चलिए, हमने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, अब मैं इनको सर्व करती हूँ। आपको दिखाती हूँ कि हम इनको किस तरह सर्व करते हैं। ये देखें, पहले हम रखेंगे पेठियाँ सारी ऐसे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चटनियाँ। सबसे पहले हम डालेंगे ये मीठी चटनी, मीठी चटनी बहुत ही मज़े की बनी है, ये बहुत ही अच्छी जी। आप किसी और चीज़ में भी, चाट वगैरह में भी ये डाल सकते हैं, दही भल्लों में भी। अच्छा जी, अब हम डाल रहे हैं इमली की चटनी। ये भी चली गई। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी मूली, मूली को कद्दूकश कर लेने और वो भी हमने इसके ऊपर डाल देना। दैट्स इट, बस हमारी लड्डू पेठियाँ रेडी हो चुकी हैं। लाहौर की मशहूर डिश है ये। ये देखें जी, लड्डू पेठियाँ रेडी हैं मज़ेदार सी चटनियों के साथ। आप लोग ज़रूर बनाएं, मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी, क्योंकि ये बहुत ही एक मज़े की चीज़ बनी है। चलिए, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मुझे दें इजाज़त। अपनी बहुत सी दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।